मुद्दा और मकसद ये था कि हम आपके साथ एक जो ह्यूमन सफरिंग हमारी यहाँ स्टेट में है उसको डिस्कस करें। इट हैज़ वेरी लेस टू डू विथ पॉलिटिक्स, सो इसलिए मैं सब आप साहिबान को बता दूं कि आज टोटली वी आर फोकसिंग ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन इशू विच वी थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज़ विजिटिंग ऑन द 24th टू दिस यूटी। इट इज़ हिज फर्स्ट विजिट आफ्टर 5th August 2019। आप सब जैसे जानते हैं तकरीबन 1,00,000 लोगों से ज़्यादा हमारे यहाँ कंट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स हैं। आप सब लोगों ने आज सुबह तस्वीरें भी देखी होंगी, एक बेचारे मैं तो शहीद ही कहूँगा, एक शहीद लाइनमैन की कि वो खंभे पे उसकी लाश लटकी हुई है। और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूँ कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा। चाहे वो हमारे PDD का महकमा हो जहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है ना सैलरियां सरकार के पास है ना नौकरियां इनकी, ये परमानेंट करने को तैयार है। क्या ये बिजली महकमा चला सकते हैं इनके बिना? नहीं। आए दिन हम सुन रहे हैं आज वहां पे मर गया ये डेली वेजर था, आज दूसरी जगह मर गया, तीसरी जगह मर गया, ना इनको कोई कंपनसेशन ऐसा दिया जाता है ना इनको कोई किसी लवायक की इनको नौकरी दी जा रही है। इसी तरह हमारा PHE का महकमा है, पानी अगर हम इस UT में पीते हैं तो इन डेली वेजरों की बदौलत पीते हैं, लेकिन ये बेचारे भी तनख्वाहों से महरूम। अब बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, तो हर एक के पास आपके पास ही जाएंगे, आपकी प्रेस कॉलोनी में दूसरी जगह जाएंगे, तो सब शोर ही करते हैं, इनको 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं। मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे, चाहे वो HDF फंड पे जो लगे हुए थे या NHRM में जो लगे हुए थे या दूसरे लोग। मैं आज इसी तरह एग्रीकल्चर महकमा है आपका, फ्लोरिकल्चर महकमा है, फ्लड इरीगेशन है, फूड एंड सप्लाईज है, फॉरेस्ट है, रहबर खेल हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, हॉर्टिकल्चर है, कमांड एरिया है, टूरिज्म है, और दूसरे बाकी जितने भी महकमे हैं जिनमें ये डेली वेजर्स कहियों की तो रिटायरमेंट की एज है नज़दीक पहुंची हैं। हमारे SPOs, आप देखिए ट्रैफिक में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, हर जगह ये बेचारे सामने हैं। ये वाहिद UT होगी जहां सरकार खुद ही अपना कानून तोड़ती है, कानून मिनिमम वेजेस एक्ट का। आप देखिए स्कूलों में 30 रुपए पे कोई स्वीपर काम करता है, अगर कोई सिविलियन या कोई बिजनेसमैन मिनिमम वेजेस से कम देगा उस पर जुर्म माना जाता है, उसको अदालत में खड़ा किया जाता है। मैं आज आपकी वसादत से सरकार को पूछना चाहता हूँ, ये किसके खिलाफ केस करें? क्या चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या LG साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए? और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है। जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं।
बात करता है। ये बात सही है, हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स या दूसरे जो वर्कर्स हैं, रोज ही आप देखते हैं ये हमारी बहनें बच्चियां सड़कों पे, आपके पार्क इस जो पार्क है प्रेस कॉलोनी के सामने वहाँ पे एहतजाज करती हैं, और कितनी बेदर्दी से इनको पीटा जाता है और हिरासा किया जाता है। क्या ये सब कुछ जो ह्यूमन सफरिंग है सब सियासत की नज़र करें हम? अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी नहीं मानती, नहीं, ये इंसानी मुद्दा है। और चूंकि वज़ीर आज़म 24 तारीख को आ रहे हैं, हम पुरजोर मांग करेंगे कि दिस शुड बी हिज प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता है कि हमें सीमेंट के खंडरात बनाने से ये यहाँ डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और न हमें इससे डेवलपमेंट दिखाई जा सकती है कि साहब अब इतने हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जो ह्यूमन सफरिंग है उसको हल करें, हमारी ह्यूमन सफरिंग्स को अगर मुल्क का वजीर आज़म नहीं सुनेगा कौन सुनेगा? और ये बेचारे कोई नाजायज़ बात नहीं कह रहे हैं, इनको पॉलिटिकल एम्यूनिशन बना रहे हैं पॉलिटिशियंस। जब सरकारें अवामी सरकारें होती हैं तब कहा जाता है कल कर रहे हैं। मुझे याद है एक सरकार में मैं भी था और फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने कहा कि 3 महीने में, चाहे वो 3 महीने के बाद वो सरकार नहीं रही लेकिन सरकारी ऑर्डर तो चलते रहते हैं ना। लेकिन आज भी नहीं, आप देखिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है और आज सब कुछ ये सोच रहे हैं नहीं जी अब आउटसोर्स करो। आउटसोर्स करने का क्या मकसद है? क्या यह हमारे बच्चे अब जाके उनके पास जाएंगे? वेयर इज द प्रोग्राम, हाउ डू दे वॉन्ट टू एड्रेस द यूथ? इसलिए आज जो मेरा बेसिक मुद्दा था, आई वॉन्टेड टू स्पीक ओनली ऑन दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू, जो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि यहाँ आ रहे हैं आज, किसी पॉलिटिकल इशू पे हम सब रोज आए दिन मैं यहाँ पर बात भी करता हूँ, बाकी लोग भी हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, लेकिन आज ये है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फौरन एड्रेस किया जाए, अगर एड्रेस नहीं होगा अपनी पार्टी सड़कों पर इन लोगों के साथ आएगी। वी विल ज्वाइन देम ऑन द रोड्स। स्पेसिफिक डिमांड दैट इट शुड बी अनाउंस्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 30 to 60 days, दे शुड बी रेगुलराइज्ड ऑल ऑफ देम एंड देयर वेजेस शुड बी रिलीज्ड। स्पेसिफिक डिमांड, इफ इट इज नॉट डन विद इन 30 to 60 days, दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, इट कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। आप देख रहे हैं आए दिन, आप देखिए आज सुबह जब अखबार उठाया इंसान का दिल रोता है उस लाइन मैन को जिस तरह से देखा, और क्या होगा वहाँ बिजली बंद होगी, उसकी लाश उतारी जाएगी, शायद कफन डालने वाला भी कोई नहीं उसका होगा। आपके अखबारों ने आज बनाई, मैं खराज तहसीन देता हूँ आप मीडिया को कि आप फिर भी हाईलाइट कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं हमें ये भी मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? शायद 2-4 सियासी लीडर हम बयान भी दे देंगे और ताजियत का पैगाम भी पहुंचाएंगे, बस बाकी तो जिनका गया उनका गया, ना इसके लिए कोई कंपनसेशन होगा ना इसके लिए कोई चीज़ होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा उस महकमे के मुलाजिम कुछ चंदा करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका चौथा वोथा हो जाए। ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा है होंगे, हम तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 लाख है। मैं बिफोर आई कंक्लूड, दिस इज़ नॉट विद एनीथिंग टू डू विद टुडेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हमने एक प्रिंट मीडिया के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया है, इंशाल्लाह हम आपको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अलग अलग हम बैठना चाहते हैं क्योंकि सजेशंस लेना चाहते हैं कि कैसे आगे चलें, तो इफ्तार इज़ ए बेस्ट टाइम कि इंसान बैठ के भी ये करेगा। सो दैट वुड नो वी हैव नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, वी वांटेड सेपरेटली बिकॉज़ वी वांटेड सेपरेटली, सो इंशाल्लाह टाइम का सेपरेट करना चाहिए। आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। अल्ताफ़ साहब,
This is all in the government of Pakistan has changed. A new Prime Minister of Pakistan has raised the issue of leaking Kashmir issue once again, when Indian government has made it quite clear that no talks, no terrorism. How do you react to the questions and also the reaction coming from the Pakistan Prime Minister? देखिए मैं बताऊंगा फैक्चुअली जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा हाल, तो मुझे लगता है कि वो अगर हमें अपने हाल पे ही छोड़ दें शायद हम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनको नसीब करे, उनका प्राइम मिनिस्टर, हम तो मुझे लगता है हमारे जितने इश्यूज़ हैं वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग देम विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आवर सेल्फ। तो मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा आई डोंट सी एनी थिंग कि हमारे लिए कोई, उनके लिए ही अच्छा हो जाए तो अच्छा है। हमारे हिस्से वाला जो है पीओके से कहते हैं वहाँ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अभी सबमिट हो गई है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारा इशू ही नहीं है, इट डज नॉट कंसर्न अस, इट डज नॉट कंसर्न अस। सो यू नॉट थिंक पीओके इज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? इट डज नॉट कंसर्न अस वहाँ क्या हो रहा है, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, इट डज नॉट कंसर्न अस। सो यू थिंक पीओके इज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा चाहे आपकी पार्टी हो या दीगर यहाँ की जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, बकौल आपके बजाय लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीजेपी सरकार ने जो एंटी पीपल पॉलिसीज यहाँ पर बनाई उस पर आपने हमेशा आवाजें उठाई सब पार्टीज ने यहाँ की, लेकिन हमने देखा कि चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी आपकी उस बात को उन्होंने सीरियस ना लिया और आपकी बात को हमेशा वो लाइट नोट मिले थे। इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलिटिकल स्कोप है वो बीजेपी ने खत्म किया? देखिए मैं आपको यही, ये आपने बड़ा सही सवाल फरमाया, मैं यही जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस करवाना चाहता हूँ कि साहब अगर हम अपने घर को कमज़ोर रखेंगे हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी। लेट अस स्ट्रेंथन आवर सेल्फ कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। ये नहीं है कि अल्ताफ बुखारी कमज़ोर होता है या कोई और पॉलिटिकल लीडर कमज़ोर, आवाज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ वायर वी ऑल शुड सी दैट आवर वॉइस इज स्ट्रेंथन। इट कुड बी स्ट्रेंथन ओनली वेन वी टॉक ऑफ वॉट इज पॉसिबल विद इन द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम अगर ख्वाब सुनहरे सपने लोगों को दिखाएं, सुनहरे सपनों से तो नहीं होगा ना। जो हमें कंसर्न कर रहा है, मैम मुझे मालूम है कि इट मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड मेनी टुडे व्हाई माय प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन दिस इशू, बट दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन इवन इलेक्शंस टुमारो। बिकॉज ये 1 लाख घर है, ये 1 लाख घर के साथ 5 लाख लोग ही हैं, ये 5 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। आप देखिए कल जिस घर का वो शहीद हुआ, मैं तो कहता हूँ यही शहादत है क्यों वो लोगों की खिदमत कर रहा था। ये तो हमारे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जामिया में कुछ नारे वगैरह हुए तो 15-20 लड़कों को वहाँ पे उठाया गया और डीएसए वगैरह लगाया गया। उससे पहले एक पंडित पे अटैक हुआ था तो उसमें भी काफ़ी सारे नौजवानों को अरेस्ट करके उनके एक्ट्स लगाए गए। दूसरी ओर प्रॉपर्टी सीज करने की बात चल रही है पुलिस की तरफ से, ऐसे इकदाम को क्या आप जेन्युइन मानते हैं या इससे एलिनेशन और बढ़ी? देखिए कोई कोई ऐसे इकदाम को जेन्युइन नहीं मान सकता है, मैं आपको बता दूं दिस कैन नॉट बी टर्न्ड एज जेन्युइन। लेकिन इसके साथ हमें भी ये एहसास करना है, दो चीज़ें हमें भी ये करनी पड़ेगी कि देखिए हमें क्या दिया हार्बरिंग, अगर हम करेंगे हमें हार्बरिंग ने क्या दिया, कब्रिस्तान और जेल। पुलिस ने क्लैरिफाई किया, अगर उन्होंने उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सबली होगा दे विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन जिसके हाँ फोर्सबली गए जिसके हाँ, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज़ करने की। लेकिन मैं कहता हूँ जनाब हम सबको सोचना है, मुझे बताओ बच्चा मारा किसका मारा, कश्मीरी मारा, मारा किसने, कश्मीरी ने मारा, अभी हमारे वो SPO लड़का मारा गया, उसका भाई मारा गया, दोनों कश्मीरी, क्या किया था इसने, उसकी तो नौकरी भी नहीं पाकी, मैं तो आज उसकी नौकरी भी का भी कह रहा हूँ, उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले। ठीक है कि उसके उसकी एक न्यूज़ बनी, ये कौन कहता है? देखिए जब जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी, लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते, मैं उनको कहूँगा साहब नहीं उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबाद ही देता हूँ अपने नौजवानों को, हम कहीं पथराव नहीं देख रहे।
ये अगर रुका है ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है, ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही, इसका मतलब है कहीं पहले आप पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब? Why do they take the credit for this today? Why don't they say that we did not do our jobs पहले? ठीक कि अगर आज law and order ये maintain करें पहले they must have failed. But अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग cooperate कर रहे हैं, बच्चे cooperate कर रहे हैं, उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे बच्चे हैं. Honestly, if you ask me, we are also all clueless like you are clueless. It is only a question ki kab decide honge, it has to be that we are clueless about it. Aisa kuch nahi. Second that you said aap support kare please nahi hum dekho hum support kare na kare hum maine kaha na aap ke ek bhai ne abhi kaha aap log irrelevant ho, which is a fact. Everybody is irrelevant, every citizen of Jammu and Kashmir is irrelevant. It is not a question of supporting. We say we don't support harboring of terror militants. क्यों? उसमें मरता कौन है? मरता भी कश्मीरी, प्रॉपर्टी भी कश्मीरी की, मारने वाला भी कश्मीरी. लेकिन अब सरकार ने, चूंकि पुलिस ने कहा है कि जो विलिंगली देगा उसके एक्शन होगी, जो नहीं देगा फोर्सफुली, तो वो तो मेरे ख्याल में हमारे हाथ में ही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.